बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल बीना फूड एंड ब्लॉग। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े की स्पेशल और लजीज रेस्टोरेंट स्टाइल में बिरयानी बना रहे हैं। तो चले चलते हैं और रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आलू लिए हमने 1 किलो। बाकी यहाँ पर सारे स्पाइसेस हैं जो कि हम आपको दिखाते रहेंगे। यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म कर लिया है और यहाँ पर डाल रहे हैं हम ज़ीरा 1 टेबल स्पून। यहाँ पर ऐड करेंगे लेमन स्लाइसेस, हरी मिर्ची और हरा धनिया पुदीना। लेकिन उससे पहले ऐड करेंगे हम आलू यहाँ पर। फ्राई कर लेंगे आलू को। हरा धनिया पुदीना, हरी मिर्ची छोटी वाली और लेमन के स्लाइसेस ऐड कर लिए हैं। इन सबको फ्राई कर लेते हैं और डालते हैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, सौंफ, धनिया है डालते हैं 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून धनिया, साबुत गरम मसाला है यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, कुटी हुई लाल मिर्ची, नमक ज़रूरत और अदरक लहसुन का पेस्ट। पानी शामिल करेंगे। अब मैं यहाँ पर ऐड करने लगी हूँ पिसा हुआ गरम मसाला 1 टेबल स्पून, बिरयानी का मसाला हमने लिया है खुला हुआ ये वाला 2 टेबल स्पून। मसाला भून लेने के बाद हमने आलू के साथ यहाँ पर ऐड किया है 1/2 ग्लास पानी। ढक्कन लगाते हैं इसे और आलू को गला लेते हैं। मिनिमम 10 मिनट्स लगेंगे मीडियम आंच पर। ये आलू यहाँ पर सॉफ्टी हो चुके हैं, मसाला जो है एक साइड हो गया, यकजा हो गया आलू और मसाला, ऑयल अलहदा हो गया, तो ऑयल हम निकाल लेंगे, उसे एंड में यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने चावल जो लिए हैं वो 1/2 किलो से थोड़े से ज़्यादा है, आधी प्याली ज़्यादा है, 1/2 किलो से आधी प्याली ज़्यादा है यहाँ पर। इसे हम भिगोएंगे 1/2 घंटे के लिए। 1/2 स्पून ये वाला मैंने यहाँ पर दही ऐड कर लिया है। अब मैंने दही डाल के भून लिया था, मैं ऑयल निकालने लगी हूँ। अब मैं यहाँ पर ऐड करने लगी हूँ जो मैंने चावल भिगोए थे। पानी डालेंगे, नमक शामिल करेंगे, फ्लेम को मैंने हाई कर रखा है, चमचा चलाएंगे, नमक ऐड करेंगे यहाँ पर, ढक्कन खोल के इसको खोलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पानी में उबाल आ चुका है, हम ढक्कन लगा के रखते हैं। अभी बिरयानी कंप्लीट नहीं है, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। यहाँ पर पानी खुश्क हो चुका है चावल आलू मसाले का, बिरयानी का। यहाँ पर हमने अंडे बॉईल किए हैं जिसमें हमने हरी मिर्ची और जो ऑयल डाल लिया था वो है, और हमने गरम मसाला पाउडर स्प्रिंकल किया है यहाँ पर। ऐड करेंगे अब दम लगाने में। यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 1 एग, ये वाला है कटिंग कर लिया, हरी मिर्ची, हरा धनिया और पुदीना है यहाँ पर, ये भी ऐड करेंगे। 1 लेयर लगा दिए हरा धनिया पुदीना हरी मिर्चों की, एग रख दिए हैं मैंने यहाँ पर। अब ऐड कर लेते हैं अब हम ये वाले गरम मसाला पाउडर वाले ऑयल। यहाँ पर मैंने लिया है ये फूड कलर, पानी में मैंने इसे हल कर लिया है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी, पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। यहाँ पर ऐड कर रहे हैं हम फूड कलर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दम लगाते हैं इसे हम 15 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ओपन कर लेते हैं बिरयानी का ढक्कन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़े की टेस्टी खुशबू यहाँ पर आ रही है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, एक बार बनाएंगे बार बार बनाएंगे फैमिली की फरमाइश पर, डिमांड पर। लेमन राइस, आलू, एग राइस, बहुत ही मज़े की टेस्टी मसाला वाले बन के तैयार हुए हैं यहाँ पर। तो रेसिपी के लिए लाइक शेयर तो बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और अच्छी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।